वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग गाइज। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज हम धनिये को छान रहे हैं और उससे कूड़ा अलग कर रहे हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे धनिया है, अनछाना हुआ धनिया, और जो छाना हुआ नहीं है, और यहाँ पे है जो धनिया छन रहा है, और मम्मा है सामने। तो दोस्तों ये है आपका मिक्स धनिया जिसे हमें छानना है। ये बिल्कुल मतलब इसमें घास फूस और थोड़े बहुत जौ के पीस और पत्थर के कंकर जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, उन्हें हमें अलग करना है। तो मेरी मम्मा बताएंगे कैसे इन्हें अलग करते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ मेरे मम्मा जुड़े हुए हैं। तो माँ यहाँ पे धनिया छान रहे हैं शुप्पे में। तो माँ बताइए कैसे छानते हैं धनिया। धनिया है ये कूड़े वाला धनिया है, और ये साफ बिल्कुल साफ धनिया है। इसको जो हम सुप्पे में यहाँ से लेंगे और सुप्पे में डालेंगे और इसको इस तरह छानेंगे ताकि ये जो है कूड़ा है ये ऊपर ही रहेगा और साफ धनिया हमारा नीचे चले जाएगा। इसको इस तरह छानते हैं यहाँ देखिए, और इससे जो हमारा कूड़ा ऊपर रह रहा है और साफ सुथरा धनिया नीचे जा रहा है। इस तरह धनिया को बनाते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप जो ये ढेर दिख रहा है आपको, ये साफ धनिया है, और जो ये वाला है इसमें ये आपका मतलब मिलावटी धनिया है जिसमें आपका घास फूस मिला हुआ है। तो दोस्तों ऐसे छानते हैं धनिया, और हमें थोड़ा टाइम लगेगा इसको छानने में। तो गाइस धनिया हो गया छांट छूंट के ख़त्म, और यहाँ देख सकते हैं गाइस आप ये बिल्कुल ख़त्म है इधर खाली। और गाइस ये है आपका शुप्पा, और इस शुप्पे में अभी छन रहा है थोड़ा सा धनिया, बाकी यहाँ पे हो गया है इसका काम तमाम ख़त्म। ये लास्ट धनिया है, इसको हम छान रहे हैं। परसों का यहाँ पीछे चलनी में रखा, उसको भी निकालो। डोली में है यहाँ पीछे, उसको भी निकालो। चलो डोली से निकालते हैं धनिया, हम चलते हैं डोली की तरफ। तो धनिया कहाँ है धनिया दिख तो नहीं रहा है, बट यही लग रहा है धनिया। ओहो ये तो यहाँ है गाइस, ये देख सकते हैं आप, और धनिया है, ये भी शायद छानने के लिए थोड़ा बचा हुआ है। तो गाइस इसको भी छानते हैं अब बहुत ही जल्द। अच्छा छाना हुआ है माए गाइस, थोड़ा धोखा लग गया था, ये भी छाना हुआ धनिया है। तो इस धनिये को और इस धनिये को कर देते हैं मिक्स, डाल दूं। हाँ जी, परे तो खोज चुके थे हम पहले से ही, बट यहाँ पे थोड़ी सी जमीन बच चुकी है तो इसे मैं खोदने वाला हूँ बहुत ही जल्द। और मम्मी यहाँ पे घास काट रहे हैं जमीन का थोड़ा ऊपर ऊपर से ताकि खोदने के लिए आसानी हो। और ये माँ काट चुके हैं सारा घास, तो अब मैं खोदना शुरू करूँगा। दोस्तों मैंने कर दिया खोदना शुरू, अभी थोड़ा ही खोदा है गाइज, और ये करना है मुझे कम्प्लीट। ये थोड़ा ऊपर सा उठा हुआ जैसा है ये थोड़ा, तो इसको थोड़ा बिठाते हैं और साथ में लाते हैं इसको लेवल में थोड़ा। दोस्तों खोदते खोदते मुझे मिला है एक पत्थर बहुत ही बड़ा सा। तो गाइस जो ये ज़मीन आपको हिलते हुए दिख रही है, कोई अर्थक्वेक नहीं है, ये मैं कसी से पत्थर को हिला रहा हूँ। और इसको अब हाथ से उठाते हैं, ज़रा कितना बड़ा है, ओ भाई बहुत ही भारी है। तो गाइस ये पुराने पत्थर है जिससे हम छत लगाते थे, स्लेटी पत्थर। तो गाइस इसको करते हैं साइड में रख के खोदना रीस्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। तो गाइस मैंने थोड़ा और खोदा और मुझे मिला है ये बकरे का सिंग, सॉरी उल्टा है, ये देखिए आप उल्टा बकरे का सिंग। ऐसा बोलते हैं कि अगर इसे हम जलाए और सांप आसपास हो तो वो भाग जाता है, ऐसा मतलब मानना है, बट मुझे पता नहीं कि ऐसा होता है कि नहीं। उसे सिर दर्द लगती है और वो भाग जाता है सांप। तो गाइज मुझे असली में पता नहीं, पर ये बकरे का सींग है जो मुझे खोद के मिला है। तो दोस्तों काम हो चुका है खत्म, आप देख सकते हो पहले वाला खेत तो खुदा ही था, और ये भी हम खोद चुके हैं। ये है हमारा रास्ता, ये मैंने परसों बनाया, और यहाँ पे है घास। मम्मा मारे थोड़ा बहुत झाड़ू क्योंकि मिट्टी आ गई है वहाँ पे लेंटर पे। दोस्तों खेतों का काम हो चुका है खत्म, मैं खोद चुका हूँ वो जमीन।
अब मैं जा रहा हूँ नीचे को गाड़ी लेने, क्योंकि पापा ने नीचे छोड़ी है मोड़ पे गाड़ी और वो किसी और के साथ सुबह निकल गए थे ड्यूटी पे। तो गाइस मैं जा रहा हूँ नीचे को, पहुँचते ही मिलते हैं आपसे गाड़ी के पास। सनसेट का टाइम है दोस्तों और मैं बस नीचे को जा रहा था और मैंने ये ब्यूटीफुल माउंटेन्स देखे ब्लैक से दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस ये हो रहा है सनसेट एंड मैं जा रहा हूँ नीचे को। तो गाइस जल्दी पहुँचते हैं गाड़ी के पास दौड़ते दौड़ते। तो गाइस मैं गाड़ी वापस ले आया था गाइस और अब मैं पहुंच चुका हूं घर के पास। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में और मेरे पीछे देखिए बहुत ही अच्छा व्यू है डार्क सा।